हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टडी सर्विस जो है वो नेक्स्ट सीरीज लाए है करंट अफेयर की। तो आप जो है वो देखेंगे कि आज के सीरीज में जो है वो क्या क्वेश्चन रहेंगे। और कल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से जो है हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन जो है वो अधूरा रह गया था, तो आज जो है वो उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको जो है वो एचपी हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स जो है वो क्या रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन द ऑथर ऑफ बुक सूरज कदे मरदा नहीं। तो ये जो बुक है आपकी सूरज कदे मरदा नहीं, इस बुक के जो है वो लेखक कौन है, ये जो है वो कल अधूरा रह गया था क्वेश्चन। इसका जो है वो राइट आंसर रहता है ऑप्शन बी, बलदेव सिंह सत्कर्मा जो है वो इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, नेशनल मैंगो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो आपका जो है वो नेशनल मैंगो डे जो है वो हर साल जो है कब मनाया जाता है, आपका आम दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि हमारा जो नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है, तो ये जो है वो इसके ऊपर जो है वो नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है। तो इसके राइट ऑप्शन है आपकी ऑप्शन सी, 22 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है आपका नेशनल मैंगो डे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है हमारा, रिसेंटली पीएम मोदी इंटरेक्टेड विद अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा करंटली सर्विंग एज अ सीईओ ऑफ, जो आपके अरविंद कृष्णा है उनकी जो है हाल ही में पीएम मोदी के साथ जो है वो बातचीत हुई है, तो उन्हें जो है वो जो है वो कहाँ के जो है सीईओ अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो आपके जो ये अरविंद कृष्णा है ये जो है आपके आईबीएम कंपनी जो है उसके सीईओ हैं। और अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की तो कौन है, सत्या नाडेला, ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो सीईओ हैं। गूगल के सीईओ की बात करें तो गूगल के सीईओ हैं आपके सुंदर पिचाई। ये जो है वो आपके गूगल के सीईओ हैं। तो कई बार जो है आपसे जो है कंपनीज के जो भी बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज जो रहती हैं उनके सीईओ जो है वो पूछ लिए जाते हैं प्रेजेंट के, या फिर आपके फर्स्ट सीईओ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो है इसमें राइट ऑप्शन बी जो है आईबीएम के जो है वो आपके अरविंद कृष्णा जो है वो सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फोर है, इन अ न्यू नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड वर्क फ्रॉम होम फॉर आईटी बीपीओ कैंपेन्स टिल ड्यू टू कोविड-19। जो आपकी एक नई अधिसूचना जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो जारी की है कोविड-19 के चलते, कि जो आपकी आईटी बीपीओ की जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम में जो है वो कार्य कर रही हैं, यानी कोविड-19 के चलते जो है वो जो भी आईटी बीपीओ कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो घर से जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो इसकी जो है वो डेट जो है वो बढ़ा दी गई है कोविड-19 के चलते। तो कब तक जो है वो ये डेट बढ़ा दी गई है,
ये डेट बढ़ा दी गई है आपकी, 31 दिसंबर तक जो है ये डेट बढ़ाई गई है। तो 31 दिसंबर तक जो है आईटी बीपीओ के जो भी एम्प्लॉई हैं वो घर में रहकर जो है वो काम कर सकते हैं। तो इसका जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, आपका 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ है, रमेश बाबू बड्डू हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। जो आपके रमेश बाबू बड्डू हैं इन्हें जो है वो हाल ही में एमडी एंड जो सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। तो ये जो है वो किस बैंक के जो है एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका करूर वैश्या बैंक जो है आपका, उसके ये एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और आपका जो ये करूर वैश्या बैंक है ये बैंक जो है वो कहाँ है, ये तमिलनाडु में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सिक्स है हमारा, क्वेश्चन सिक्स है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द इनेगुलर गुलेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। जो आपका गुलेनकियन जो प्राइज है ह्यूमैनिटी जो जो दिया जाता है यानी मानवता के लिए जो है वो दिया जाता है, तो सबसे पहले जो है ये अवार्ड यानी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार जो है वो हाल ही में दिया गया है, जो मानवता का पुरस्कार है ये दिया गया है आपका ग्रेटा यूनवर्ग को जो है वो ये यूनवर्ग को है ये दिया गया है आपका। कौन सा प्राइज दिया गया है आपका, गुलेनकियन जो है प्राइज दिया गया है। और ये किसके के लिए दिया जाता है आपका, ह्यूमैनिटी पे जाता है यानी मानवता के लिए ये दिया जाता है। राइट में आप ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेवन है, रिसेंटली जुआन मार्च से पास्ट अवे ही वॉज अ, जो आपके जुआन मार्च से हैं उनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो वो जो है वो किस क्षेत्र जो है वो संबंध रखते हैं, जुआन मार्च से ये संबंध रखते हैं आपके। ये एक नॉवलिस्ट है, ये एक उपन्यासकार है और इनका जो है वो हाल ही में जो है निधन हो गया है। और तो आपका राइट ऑप्शन रहे सी, और ये जो है नॉवलिस्ट है तो स्पेनिश नॉवलिस्ट है ये। तो स्पेनिश नॉवलिस्ट है ये, और स्पेन के अंदर जो वो इन्होंने जो है वो काफी सारे जो है नॉवल्स जो है वो लिखे हैं और प्राइज जो है जीते हैं। तो आपके जुआन से हैं ये एक नॉवलिस्ट है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एट है हमारा, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर दुशस्त्र दुशस्त्र इज अ। तो आपका जो है वो एट क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका जो भारत ने जो है वो एक सफलता पूर्वक जो है वो दुशस्त्र मिसाइल का जो है वो परीक्षण किया है। तो इसका जो है वो ये कौन सी मिसाइल है, इस मिसाइल का ये या फिर ये मिसाइल है राइट है या लॉन्चर है ये। तो आपका जो ध्रुव शस्त्र है ये एक एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। तो इसका जो है वो सक्सेसफुली जो परीक्षण किया गया है इंडिया द्वारा। और ये जो है आपकी ध्रुव शस्त्र, तो ये जो है एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड मिसाइल है जो आप नाग मिसाइल थी
उसी का जो है वो नेम चेंज करके जो है ध्रुव शस्त्र जो है वो रखा गया है। और जो आपके ये ध्रुव शस्त्र मिसाइल है इसे जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, जो आप DRDO है, जो आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये बनाया गया है। तो ये क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुव शस्त्र। राइट ऑप्शन आप सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाइन्थ है, क्वेश्चन नाइन है, पीएम मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड काकरापार एटॉमिक प्लांट ऑफ टू रीच इट्स क्रिटिसिटी एंड काकरा एटॉमिक पावर प्लांट इज इन, जो आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरा पार्क जो काकरा पार्क एटॉमिक प्लांट है उसके जो है वो सफलतापूर्ण जो परीक्षण पर जो है बधाई दी है। तो आपका जो ये काकरा पार्क है, काकरा एटॉमिक पावर प्लांट है, तो ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है गुजरात में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। और जो ये आपका काकरा पार एटॉमिक प्लांट है इसकी बात करें, ये 700 मेगावाट का है और इसकी जो है वो शुरुआत कब की गई थी, गुजरात में 1993 में है वो शुरुआत की गई थी। और इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है प्रेजेंट में। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गुजरात, गुजरात में जो है आपका काकरा पार एटॉमिक पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है आपका, रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च्ड अ नेशनल वाइड कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। पंजाब नेशनल बैंक इज हेडक्वार्टर इन, जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है उसने जो है वो हाल ही में एक जो है वो अभियान चलाया है COVID-19 के चलते। तो उसके द्वारा जो है वो जो आपके फेस मास्क हैं और आपके जो सैनिटाइजर हैं वो बांटे जा रहे हैं। तो इस अभियान की शुरुआत जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा की है। और जो आप पंजाब नेशनल बैंक है इसका जो वो हेडक्वार्टर जो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, न्यू दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इसकी बात करें तो ये जो है वो काफी पुराना बैंक है और इसकी जो स्थापना की बात करें 1894 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, लाल लाजपत राय के समय जो है इसकी स्थापना की गई। तो आपके जो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और आप जो है वो करंट अफेयर के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर है वो जुड़ सकते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, तो वो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, चाहे आपका एचपी है, नेशनल है, वर्ल्ड है और अदर आपके जो भी जीएस के, तो सभी जो है वो आपको सभी तरह के जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्सेज जो है वो चलाए जा रहे हैं, तो आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है वो इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे, आप जो है जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस एक्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस सेकंड। तो आपका जो एनासिस सेकंड है इज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ, जो आप एनासिस सेकंड है वो जो है उसने जो है वो स्पेस एक्स का जो है वो सफलता पूर्वक सैन्य उपग्रह जो है वो स्पेस उसका परीक्षण किया गया है। तो किसने जो है वो अपना पहला सैन्य उपग्रह जो है वो बनाया है, तो वो है आपका राइट ऑप्शन रहेगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जो है वो अपना फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है बनाया है, इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका साउथ कोरिया। तो इसी के साथ जो है वो आप हम स्टडी सर्विस के साथ जो है वो बने रहिए और कमेंट करिए, एंड अगर आपको जो है वो कोई दिक्कत आ रही है करंट अफेयर में तो आप जो है वो हमें कमेंट कर सकते, फीडबैक दे सकते हैं हमें। तो किसी भी तरह के जो है वो अगर क्वेरीज रहेंगी आपकी, नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप जो है हमारे चैनल को जो है वो लाइक कर सकते हैं, लाइक जरूर करें, और जो है आप अपने फ्रेंड्स का जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।